हम सिर्फ दुनिया हिंदुस्तान को बाजार बना करके देखें, हम भी दुनिया के बाजार में पहुंचने के लिए भरसक प्रयास करें। हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में दुनिया के एक एक देश की जो ताकत होती है छोटे छोटे देशों की, वो ताकत हमारे एक एक डिस्ट्रिक्ट में होती है। कटनी भारत के हृदय मध्य प्रदेश में स्थित एक शहर, खनिज संपदाओं का धनी ये शहर। यहाँ का चूना, बॉक्साइट, मार्बल और पत्थर अति प्रसिद्ध है, विशेषकर कटनी का सैंड स्टोन, जिसका प्रयोग सदियों पहले खजुराहो की कलाकृतियों में किया गया है। इस सैंड स्टोन को वापस वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का संकल्प लिया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। हमारे कुछ जिलों में संतरा पैदा होता है, हमारा लहसुन, हमारे मसाले, हमारी धान, अलग अलग चीजें, तो एक जिला एक उत्पाद करके हम अब ये कोशिश भी कर रहे हैं कि वो उत्पाद और श्रेष्ठ बनके न केवल देश में जाए बल्कि दुनिया भर में भी उसको भेजें, उसका कैसे निर्यात करें इसकी कोशिश भी हम कर रहे हैं ताकि ज्यादा पैसा आए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आधारशिला स्टोन आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया। और खुद मुगल फौज पर तीरों की बरसात। आधारशिला स्टोन आर्ट फेस्टिवल में देश के कोने कोने से आए हुए स्टोन आर्टिस्ट ने कटनी स्टोन पर अपनी कला को उकेरा है और उसे जीवंत रूप प्रदान किया है। आइए सुनते हैं कैसा रहा इस पत्थर पर काम करने का उनका अनुभव। कटनी के पत्थर को लेके जो रीमार्केटिंग का एक स्टैंडर्ड मापने की हमने जो कोशिश की है, निसंदेह ये बहुत व्यापक तौर पर पूरे देश और दुनिया में गूंजेगी। मैं इतना कहूंगा जरूर कि कटनी के पत्थर पर पहले हम चलते थे, हमारा सौंदर्य बोध जो था वो पैरों पर था, अब वो सौंदर्य बोध हमारे पैरों से उठकर हमारी आंखों में आया है। और ये आंखों में आना ये बताता है कि दरअसल पत्थर की कीमत नहीं होती है, पत्थर को कैसे उपयोग में लाया जा सकता है उसकी कीमत होती है। स्टोन इंडस्ट्री अपने आप में एक बहुत ही यूनिक इंडस्ट्री है और कटनी में जो स्टोन इंडस्ट्री स्थापित है वो यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए, उनके रोज़गार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का सपना है उसमें भी यहाँ का स्टोन उद्योग बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करता आया है और भविष्य में जो हम लोगों ने एक जिला एक उत्पाद में कटनी स्टोन का चयन किया है, तो जो चेंजेस पॉलिसी मेकिंग में प्रस्तावित किए जा रहे हैं यदि वो होते हैं और यहाँ के उद्योग को जिस प्रकार से हम मार्केटिंग ब्रांडिंग में सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे जैसे ये उद्योग बढ़ता जाएगा मैं समझता हूँ कि इस उद्योग के माध्यम से बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा। कटनी सैंडस्टोन के भविष्य में रोजगार की संभावना बहुत अधिक है। इस विषय में हमने बात की कटनी के कुछ स्टोन व्यापारियों से। कटनी स्टोन के बारे में क्या है उनका अनुभव, आइए जानते हैं। हमारी कंपनी खरेन स्टोन्स पिछले 15 साल से कटनी में स्थापित है। इसकी शुरुआत मेरे पिता राजू खरे जी ने पिछले 15 वर्ष पहले करी थी। हमारी कंपनी ओजस्वी माधव के नाम से यह कार्यरत है। मेरे अंकल श्री जे पी अग्रवाल जी द्वारा कटनी मार्बल की खोज की गई। सैंडस्टोन कार्विंग पहली बार मध्य प्रदेश में किसी पत्थर में अगर हुई है तो वो कटनी का स्टोन। कटनी की स्टोन की क्वालिटी किसी स्टोन से कम नहीं है। ये काफ़ी हार्ड मटेरियल है, इसकी पॉलिशिंग ग्लेज इसका इंडियन बाकी मार्बल से बेटर है। कटनी सैंडस्टोन कई परिवारों के लिए रोजी रोटी का जरिया भी है। आइए सुनते हैं बिलहरी के बर्मन परिवार की कहानी। और ये कला बहुत पुरानी है, ये बहुत पूर्व से चली आ रही है। हमारे पूर्व खजुराहो से आए, खजुराहो से आके तो बिलहरी में बसी, बिलहरी में कला चालू हुई। ये पांचवीं पीढ़ी है। मेरा नाम जगदीप साहब बर्मन है, मूर्तिकार बिलहरी। हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि आने वाले समय में कटनी का ये सैंडस्टोन एक बार फिर देश की पहचान बनेगा।